Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy Brahmo Sabha ke founders में से एक थे. उन्होंने हमारे भारत देश के लिए काफी सारे काम किए हैं, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन. वह ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे. उनका पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड रिलीजन के फील्ड में उनका प्रभाव पूरी तरीके से स्पष्ट था. राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल ब्रिटिश भारत में हुआ था और 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हुई थी. उनका जन्म ब्रिटिश रूल्ड बंगाल में ब्राह्मण वर्ग के एक फैमिली में हुआ था. उन्होंने काफी कम उम्र में अपरंपरागत धार्मिक विचारों को विकसित किया था. उन्होंने बंगाली और हिंदी भाषा के अलावा संस्कृत, फारसी, अरबी और इंग्लिश में मास्टर्स किया था. राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा और बाल विवाह के प्रथा को खत्म करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें जाना जाता है. उन्हें कई इतिहासकारों द्वारा बंगाल पुनर्जागरण का पिता माना जाता है. उनके परदादा कृष्ण कांता बंदोपाध्याय एक दुर्लभ कुलीन ब्राह्मण थे. 12th सेंचुरी में लाल सेन द्वारा कन्नौज से आयन किए गए ब्राह्मणों के 6 परिवारों के कुलीन ब्राह्मण के वंश के बीच 19th सेंचुरी में कई महिलाओं से शादी करने के लिए दहेज से दूर रखने के लिए वह कुख्यात ब्राह्मण थे. राजा राम मोहन रॉय के पिता का नाम राम कांता था और उनकी माता का नाम तरेणी देवी था. राम मोहन ने वेद, उपनिषद और कुरान को भी पढ़ा है और भी कई शास्त्रों को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, लेकिन रॉय ने अपने पाखंड को उजागर करने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म के गहराई का पता लगाना जारी रखा. उनका मानना था कि सती प्रथाओं जैसी प्रथाओं के लिए हिंदू महिलाओं की स्थिति काफी कम थी. उन्होंने ना ही सिर्फ सती प्रथा बल्कि महिलाओं को एजुकेट करने और विरासत में मिली संपत्ति का उनका अधिकार देने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए वकालत लड़ी. उन्होंने शिक्षा के फील्ड में कई सारे सुधार लाए थे. उन्होंने अपने प्रयासों से कलकत्ता में द हिंदी कॉलेज, फिर सिटी कॉलेज और फिर वेदांत कॉलेज और एक इंग्लिश स्कूलों को भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था. उन्होंने ही भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत के लिए पूरी तरीके से समर्थन किया था. राजा राम मोहन रॉय की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से सबसे मेन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना थी. इस भारत के पहले सामाजिक धार्मिक सुधारण आंदोलन में से यह एक था. ब्रह्म समाज ईश्वर के अदरहुड और मैनकाइंड और उनके भाईचारे में विश्वास करता था. राम मोहन रॉय ईश्वर की एकता में पूरी तरीके से विश्वास करते थे और उसी का प्रचार करते थे. उन्होंने ही जानवरों की बलि और उनके चढ़ावे को उन्हें रोकने का प्रचार किया था. ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था, बहुविवाह, बाल विवाह, शिशु हत्या, छुआछूत, महिलाओं और पुरदा व्यवस्थाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी. 1830 में उन्होंने मुगल एम्पायर के एक दूत के रूप में यूके में ट्रैवल किया था ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक का उनका कानून कहीं पलट ना जाए. सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ इंडिया रिनाइजेंस के रूप में उन्हें जाना जाता है. 27 सितंबर 1833 में जब वह यूके में थे तब ब्रिस्टल में स्टेपल्टन में मेनिनजाइटिस से उनकी डेथ हुई थी. उन्हें ब्रिस्टल में ही अर्नोस वैले कब्रस्तान में उन्हें दफनाया गया. हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिस्टल में एक सड़क का नाम राजा राम मोहन रॉय की याद में राजा राम मोहन वे रखा. तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन राजा राम मोहन रॉय के बारे में. तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे.